उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ पार्टी सीरीज इस्लामाबाद के हेड ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत ही स्पेशल गेस्ट हु इज अ सीनियर सेल्स मार्केटिंग मैनेजर ऑफ पार्टी सीरीज इस्लामाबाद एंड शी इज बीन इन द रियल एस्टेट सेक्टर फॉर मोर देन 8 years नाउ एंड शी इज इन पार्क्यू फॉर मोर देन 5 years। तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मारिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सो आज का पहला सवाल, बाय द व्यूअर्स आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग, आज की वीडियो में जितने भी कुछ क्रिटिकल कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ पार्टी सिटी और कुछ पार्टी सिटी की और डिटेल्स हैं जो आप सब लोग जानना चाहते हैं एंड कंटिन्यूसली आप लोगों ने मुझसे कॉमेंट्स में भी पूछे हैं, तो उनके जवाब आज हम मैम से जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली दफ़ा देख रहे हो, तो पार्टी सिटी के विजन के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड। मारिया, हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था सो दैट वी कैन प्रोवाइड अफोर्डेबल लाइफस्टाइल। जो हमारे कस्टमर हैं, जो लोग इस्लामाबाद में अपना घर बनाना चाहते हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं या बाकी शहरों से जो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और अपना घर यहाँ बनाना चाहते हैं, उसके साथ साथ हमारा जो दूसरा मेन फोकस था पार्क्यू सिटी का वो ये था कि हम यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, जो कि इंशाल्लाह हम कर भी रहे हैं और आगे करने भी जा रहे हैं, जो हम लोगों ने चीज़ें प्लान की हुई हैं। तो दिस वॉज द विजन ऑफ पार्क्यू सिटी। राइट। पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन उस पर काफ़ी तेज़ी से जारी है, एवरीथिंग इज गोइंग रियली वेल। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज के व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू हैड टू फेस व्हेन दिस होल थिंग वाज हैपनिंग। एंड चैलेंजेस होते हैं ना किसी भी प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में, उसको वो उसका विजन भी पूरा करने में, तो व्हाट वर द मेन चैलेंजेस दैट यू हैड टू गो थ्रू एज अ यू नो योर कंपनी एंड पार्क्यू हैड टू गो थ्रू। मारिया, जब भी आप किसी जगह पे किसी एक प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं या कोई भी एक बिजनेस शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल में आपको डिफरेंट चैलेंजेस को फेस तो करना पड़ता है। तो उसमें यह था कि जब पार्क्यू सिटी हमने इस्लामाबाद में लॉन्च किया था, ओबियसली इस्लामाबाद में उस तरह से लोग हमें, इस्लामाबाद में पहला प्रोजेक्ट था, मार्केट को अंडरस्टैंड करना, मार्केट के लोगों को हमें अंडरस्टैंड करना, तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमने बहुत जल्दी उन चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया था और हमने बहुत जल्दी लोगों का ट्रस्ट गेन कर लिया विद द स्पीड ऑफ आवर डेवलपमेंट। हमने एक चीज़ जो मैंने हम अपने समझती हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा अच्छी की थी लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए, कि हमने डेवलपमेंट बहुत अच्छी की द फ्रॉम द डे वन। हम जब लोगों को दिखाते थे तो हम अपने डेवलप एरियाज को दिखाते थे, तो जिससे हमने लोगों का, क्लाइंट्स का, अपने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बहुत जल्दी गेन कर लिया था। और अभी विद इन नो टाइम, हमें 4 से 5 साल हो गए हमें इस्लामाबाद में अपना प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हुए, बट आई कैन से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने काफ़ी ब्लॉक्स जो हैं, तकरीबन 4 to 5 रेजिडेंशियल ब्लॉक्स, हमारा कमर्शियल डाउनटाउन, हमने वो डिलीवर किया हुआ है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड पीपल स्टार्ट लिविंग देयर। ओके मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज के पार्क्यू इस्लामाबाद एंड पार्क्यू लाहौर, लाइक हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड, किस तरह से शुरू हुआ था ये सारा कुछ? हमारी 20 years बिफोर हमने पहला प्रोजेक्ट अपना जो लॉन्च किया था वो लाहौर में था। लाहौर में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसको सक्सेसफुली हमने डिलीवर किया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वो था, नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी थी वो इस्लामाबाद थी। हम इस्लामाबाद में हमने देखा कि इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी एंड यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर एक अच्छी सोसाइटी की ज़रूरत है, तो वी केम टू इस्लामाबाद और यहाँ की खूबसूरती के साथ और चीज़ें जो हमें लोकेशन मिली, यू कैन सी द लोकेशन इटसेल्फ इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आप जब वहाँ जाते हैं तो आप एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो बस देन वी लॉन्च्ड हियर और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इट्स आई कैन से दैट कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा और इट्स प्रूव्ड एग्जैक्टली। एंड आई आल्सो आई फील लाइक कि इस्लामाबाद के लोगों की भी ना, मतलब जितने भी लोग हैं उनकी ना एक ख्वाहिश होती है व्हेन इट कम्स टू इस्लामाबाद कि वो एक ऐसी जगह रहें कि वो इस्लामाबाद की वो खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय कर सकें, वो एक लुक है टिपिकली इस्लामाबाद की, खूबसूरती है। तो देखो हर जगह पे आपको इस्लामाबाद की फील नहीं मिलती है ना। आप देखो F6 F7 में आई कांट अफोर्ड, यू कांट अफोर्ड, हम लोगों ने कोई ऐसी जगह देखनी है जो हमें इस्लामाबाद की फील भी दे, F6 वाली फील आए, हमें F7 वाली फील आए, लेकिन हमारे बजट में भी आए। सो पार्क्यू सिटी इज द अपॉर्चुनिटी आई गेस के जहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट करके हम अपना घर बना सकते हैं और हम इस्लामाबाद की फील को इंजॉय कर सकते हैं। ओके सो व्यूअर्स, अब थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछना चाहिए, थोड़े से क्रिटिकल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी ओवरसीज के जो आप लोगों का ओवरसीज ब्लॉक है पार्क्यू का, उसकी लोकेशन के बारे में, वेयर इज इट्स लोकेशन?
मारिया, हमारी ओवरसीज ब्लॉक की जो लोकेशन है इट्स अपोजिट टू गेट नंबर 2. जब आप जाते हैं वहाँ पर, हमने अभी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट भी कर दिया. आप किसी दिन चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगी भी. हाँ एग्जैक्टली, हम जाएंगे, हम विजिट करेंगे, हम उसके डेवलपमेंट को देखेंगे. वहाँ पर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट है और बैलेटिंग इंशाल्लाह हम जो है अपने ओवरसीज ब्लॉक की वो 2 to 3 मंथ्स में प्लान कर रहे हैं. ये पहले भी हो सकती है बट आई एम गिविंग यू द मैक्सिमम टाइम सो दैट जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको ये पता, अगर नेक्स्ट मंथ नहीं होती तो वो मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे दें कि 2 to 3 मंथ्स का टाइम कहा था. तो इंशाल्लाह वी आर डूइंग वेरी सून द बैलेटिंग थिंग और जो पोजीशन है वो हम नेक्स्ट ईयर में इसको हैंड ओवर कर रहे हैं. दैट्स अ ग्रेट न्यूज. ओके, अब जो मेरा आपसे अगला सवाल है वो है जे ब्लॉग के हवाले से. ये क्वेश्चन तो सबका फेवरेट क्वेश्चन है. Everyone asks me this question. तो मुझे बताइएगा कि कोई एस्टिमेटेड टाइम जे ब्लॉग के लिए कि वो कब तक पोजीशन अनाउंस करें, क्योंकि लोग कहते हैं ना हमने अपनी इंस्टॉलमेंट्स दे दी हैं, कंप्लीट कर दिए हैं कुछ ने कुछ की मतलब, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? एनी एस्टिमेटेड टाइम के पोजीशन का अनाउंस होगा उसका, जे ब्लॉग का स्पेसिफिकली. अच्छा, हमारी हमारे गेट नंबर 2 के ऑपोजिट हमने उसकी लोकेशन जो है वो अभी अनाउंस कर दी है और जे ब्लॉक पे हमने डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया. जे ब्लॉक जो है वो हमारा सबसे खूबसूरत ब्लॉक होने वाला है. अब मुझसे पूछेंगी वो कैसे. एक तो सबसे पहले तो उसकी लोकेशन मैं आपको बता दूँ. जे ब्लॉक की जो अभी लोकेशन है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं यू कैन सी द क्लियर माउंटेंस, मरी के माउंटेंस का क्लियर व्यू आपको मिलता है. अगर बाकी इसका मैं बताऊँ, हमारा एच ब्लॉक है और ए और बी ब्लॉक जो है वो थोड़ा लोअर लैंड है, मतलब थोड़े नीचे है. लेकिन अगर आप जे ब्लॉक की और ओवरसीज की लोकेशन देखें तो वो थोड़े हाइट पे आ जाते हैं. तो उनकी एक तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, फिर उसके नेचुरल कंटूर बहुत अच्छे हैं और हम उसको उसी तरह से जा रहे हैं कि रोड ऊपर नीचे जा रहे हैं एंड यू आर जस्ट ट्रैवलिंग और आपके अच्छे खूबसूरत जगह पे, खुली जगह पे के आपके वो है घर बनने जा रहे हैं. और पोजिशन जो है वो इनशाला वी आर अनाउंसिंग इन मैक्स 5 to 6 मंथ. अगेन मैं आपसे मार्जिन टाइम रख के बात कर रही हूँ, तो 5 to 6 मंथ्स में हम इनशाला उसको डिलीवर करने जा रहे हैं. That's great news also. Wow, okay. मेरा जब इन्हीं ब्लॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग ब्लॉग्स विल बी के थोड़ा सा मुझे एक तो आप ये बता दें कि टोटल ब्लॉग्स कितने हैं उसमें और कौन कौन से ब्लॉग्स हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बता दें. क्यों नहीं मारिया, हम लोगों ने जब लॉन्च किया था इनिशियली तो हमारे पास ब्लॉक ए था, ब्लॉक बी था हमारा, सी डी एंड ई एंड एफ ब्लॉक, ये हमने इनिशियली लॉन्च किए थे. इनमें से मैं अगर आपको अभी से बता दूं तो ए ब्लॉक इज डिलीवर्ड, बी ब्लॉक इज डिलीवर्ड, ई ब्लॉक इज डिलीवर्ड, डी ब्लॉक इज डिलीवर्ड, एफ ब्लॉक जो है वो कम्प्लीटली तैयार है. वहाँ पर प्लॉटिंग वगैरह हर चीज़ हो चुकी है, बस उसकी पोजीशन अनाउंस नहीं है जो कि बहुत जल्दी हम अनाउंस करने जा रहे हैं. तो जितने ब्लॉक्स हमने 2017 में लॉन्च किए थे वो सारे के सारे हम ब्लॉक्स डिलीवर कर चुके हुए हैं. अभी रिसेंटली जो हमारा एच ब्लॉक, बल्कि मैं आई जस्ट फॉरगेट कि हमारा जो सबसे हाइप वाला ब्लॉक है एच ब्लॉक, कैसे भूल सकती हूँ मैं उसको. एच ब्लॉक जो है वो भी हमारा डिलीवर्ड है, वो हमने 2019 में 2020 में उसको लॉन्च किया था बट इट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड. जे ब्लॉक की जो हम पोजीशन है वो देने के लिए जा रहे हैं, जे और ओवरसीज जे हम इसी साल में डिलीवर करने जा रहे हैं, ओवरसीज हम नेक्स्ट ईयर में डिलीवर करने जा रहे हैं. इसके अलावा हमारे पास के ब्लॉक है, के ब्लॉक पे भी इंशाल्लाह हम जल्दी आपको गुड न्यूज़ देंगे. डाउनटाउन के ऊपर हमारा काम स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी हद तक हमारा डाउनटाउन जो वो डिलीवर्ड है और वहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो चुके हैं. यू कैन सी जब आप जाते हैं तो देख सकते हैं. हम लोग बहुत जल्द, बाय द वे व्यूअर्स, हम लोग आपको टूर के ऊपर भी लेके जाएंगे पार्क व्यू के, मैम और मैं हम दोनों आप लोगों को डिटेल टूर करवाएंगे, जो जो आप लोग देखना चाहते हैं, जो लोग नहीं भी विजिट कर सकते ना फिजिकली दे विल बी एबल टू सी इट एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. मारिया, डाउनटाउन के अलावा हमारे जो भी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है गोल्फ स्टेट है और ओवरसीज में हमने कुछ लिमिटेड प्लॉट्स दिए हैं. तो गोल्फ स्टेट एंड ओवरसीज ब्लॉक जो है वहाँ पर हमारी बुकिंग भी अभी चल रही है, उसमें 5 मरला 10 मरला 1 किनाल के प्लॉट्स जो हैं उस पर मतलब वो बुक हो रहे हैं. ओके, ऑलराइट. अच्छा, ब्लॉग्स की डिस्कशन करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारा जो आप लोगों का के ब्लॉक है उसमें जो 3.5 मरला के प्लॉट्स हैं, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? क्योंकि बहुत से जो लोग हैं हमसे सवाल पूछते हैं कि हम उसमें से सेफ एक्सिट कैसे ले सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन है लोगों की, तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? हमारी उसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म करेंगे कि के ब्लॉक से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह स्टे इन टच. डेफिनेटली अभी हम लोग आप लोगों को जैसे जैसे न्यू अपडेट्स आती जाएंगी पार्क्यू की तरफ से विल कीप ऑन गिविंग यू दोज अपडेट्स. आप लोगों को जो भी आप लोगों के सवाल आते हैं यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. राइट, सो मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ रिगार्डिंग द गोल्फ स्टेट्स लोकेशन, कि कब तक जो है गोल्फ स्टेट की जो लोकेशन है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिवील्ड बाय ऑल ऑफ यू, मतलब कब तक पार्क्यू की मैनेजमेंट जो है उसको लोकेशन के बारे में हमें बताएगी?
गोल्फ स्टेट जो है वो मैं समझती हूँ कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉग बनने जा रहा है. हमारा एफ ब्लॉक बहुत खूबसूरत है, हमारे एच ब्लॉक की बहुत हाई पे. हर ब्लॉक की अपनी एक डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं जो उसको हाईलाइट करते हैं. गोल्फ स्टेट जो मेरा अपना बहुत फेवरेट ब्लॉग है, उसकी रीज़न ये है कि उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम एरिया जो है वहाँ हमने ग्रीन रखा है, वहाँ हमने बिल्ड एरिया बहुत कम रखा है. और वहाँ पर ऑब्वियसली गोल्फ कोर्स बनने जा रहे हैं जो गोल्फ कोर्स के लवर्स हैं और जो मेरे जैसे लोग ग्रीन खेल सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी एक अट्रैक्शन तो होती है. तो ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक होगा रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में. और इसकी लोकेशन थोड़ा सा सरप्राइज आप रखें, रहने दें, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी उसको अनाउंस करेंगे. एंड बहुत अच्छा सरप्राइज होगा, बहुत अच्छी लोकेशन जा रही है. आपको गोल्फ स्टेट की लोकेशन के लिए हम आपको तंग करते रहेंगे, ठीक है? कोई मसला नहीं, एनी टाइम. आप कभी भी करें. ओके, अच्छा अब मैं आपसे जो एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा डाउन टाउन के हवाले से. आप लोग जो डाउन टाउन है वो कम्प्लीटली जो है बिल्कुल हट कर है बाकी सारे ब्लॉक्स वगैरह से, तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? देखो हमारी एक कमर्शियल हर जगह पे होता है. जो भी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसमें वो उस एरिया को फैसिलिटीज देने के लिए कमर्शियल हब अपना बनाते हैं. F6 में, F7 में, हर जगह पे आपका कमर्शियल जो है वो होता है. हमारा कमर्शियल हम इसको अगर कहते हैं या इसको लोग इसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी डिफरेंट कमर्शियल डाउनटाउन. सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो उसकी 100 किनाल की जो लेक है, जिस जो उस डाउनटाउन के सेंटर में बिल्कुल होगी, उसकी सराउंडिंग जो हमारे 6 मरला 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जहाँ पर आपके ऑफिसेज होंगे, जहाँ पर आपकी मार्क ऑब्वियसली फॉर द शॉपिंग थिंग आपके डिफरेंट ब्रांड्स होंगे, आपके अपार्टमेंट्स होंगे वहाँ पर. और डाउनटाउन के फीचर्स में ही एक फीचर हमारा जो है वो दी वॉक का है, ठीक है? दी वॉक जो है उसकी जो हमारी रोड्स हैं वो 150 फुट की रोड हमने रखी हुई है उसकी बहुत साइडेड. दूसरा ये है कि वो आपका दी वॉक इस तरह से होगा कि यू आर जस्ट डूइंग द वॉक बिटवीन द डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड डिफरेंट इंटरनेशनल होटल चेन्स. तो आपकी वो चीज़ बननी चाह रही है. आप जब पार्क व्यू के डाउनटाउन को विजिट करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप दुबई का डाउनटाउन विजिट कर रहे हैं. wow. और okay. जैसे आप दुबई का दी वॉक विजिट कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ वो फील आएगी. तो दिस इज हाँ, सो ये एक हाइप की एक ये रीज़न है कि हम इसके ऊपर काम करें. और अभी अगर हम जाते भी हैं, हम अपने डाउनटाउन को देखते हैं, तो आप वो सर्कल कंप्लीट जो हम प्रपोज्ड है हमारा, वो आपका सर्कल कंप्लीट आपको नजर आता है. एंड यू कैन, आपको ना एक फील आती है देख के अभी से कि हाँ जी ये बिल्कुल ऐसे ही बनने जा रहा है जो वो बताया जा रहा है. Right. और ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक बिजिएस्ट स्पॉट होगा और एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगा. ये तो कुछ सवाल थे जो क्लाइंट्स जानना चाहते थे जो मैंने आपसे पूछ लिए सारे. अब आप मुझे बताएं, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक ऑल योर क्लाइंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स टू नो अबाउट पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद, जो आप खुद से उनको डिलीवर करना चाहें, कोई भी मैसेज हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको लगता है कि दे शुड नो और यू वॉन्ट टू अनाउंस टू दैम, एनीथिंग? मारिया, मैं इस वक्त अपने जितने भी हमारे देखने वाले क्लाइंट्स हैं उन सबको, जिन्होंने परचेज कर लिए है, जिन्होंने जो भी सोच रहे हैं, जो लेना चाह रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप इसमें लें. और जो ले चुकी हूँ उनको मैं यही कहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन लिया पार्क में इन्वेस्ट करके. बिकॉज ये ऐसा डिसीजन है जिसके ऊपर वो कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, चाहे उसके घर बनाने के लिए. वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है हमारे पास, वो सिक्योर है. और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाह रही हूँ कि जैसे इससे पहले हम लोगों ने इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स भी किए हैं, हमने न्यू ईयर नाइट पे बहुत अच्छा इवेंट किया, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया ड्राइव इन कॉन्सर्ट का, हम PSL को स्पॉन्सर करते हैं. तो इस तरह के और एक्साइटेड इवेंट्स जो हैं वो हम अपने क्लाइंट्स के लिए, हम अपने इस्लामाबाद वालों के लिए लेके आएंगे. और इसके अलावा हम उनके लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे. इंशाल्लाह सून हम कुछ और चीज़ें प्लान कर रहे हैं जो कि हम अनाउंस करेंगे बहुत जल्दी, जिससे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. यू कैन अर्न अ लॉट. अगर आपने घर बनाना है तो उसके लिए आपके पास बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप उसमें इन्वेस्ट करें, आप अपना घर बनाएं. तो बस यही कहूँगी कि भरोसा रखें, ठीक है, और इंटरेस्ट रहें. और जो भी है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेश्चंस हैं, दे कैन आस्क अस, दे कैन कम टू अस, और हमसे इंटरेक्शन रखें. बिल्कुल, क्योंकि सबसे आई थिंक किसी भी जगह पे मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक चीज़ कहती हूँ कि जब आपने पार्क व्यू में प्लॉट खरीद लिया, तब से
जब तक आपने वो बेचा नहीं है, मेरा और आपका एक रिलेशनशिप शुरू हो गया। तो रिलेशनशिप में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हमसे डायरेक्ट रखें, सो यू कैन गेट द एग्जैक्ट न्यूज, यू कैन गेट एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपको जो न्यू हमारी ऑफर्स आ रही है उनका पता चलता रहता है, आपके अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप उनको क्लियर करते रहते हैं। तो एक जो कम्युनिकेशन है ना वो मेरी और आपकी रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड व्यूअर्स, ये मैम ने एक बहुत अच्छी बात की है, ये मैं खुद भी आप लोगों से कहना चाहूँगी। आप लोगों के जो भी सवालात होते हैं मार्केट में, जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा होता है या वो ऊपर जा रहा होता है, बिलीव मी, जितने भी इस टाइम पे लोग मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो डीलर्स हैं, चाहे वो मार्केटिंग कंपनीज हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हैं, दे विल एग्री टू दिस कि ज़रूर कोई ना कोई नेगेटिविटी जानबूझ के कभी कोई ना कोई क्रिएट करता है ताकि जो है उनकी रेपुटेशन को जो है नुकसान पहुँचाया जा सके, या डिफरेंट अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं। सो माई ऑल्सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू जो आप लोग हैं कि हर किसी की बात का, हर वीडियो का, हर देखने वाले बंदे का मत यकीन किया करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल नाउ ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब, हु आर मेकिंग वीडियोस रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और वो फजूल की नेगेटिविटी फैलाते हैं सिर्फ और सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए। सो जो भी आप लोगों के सवालात हैं, जो आप लोग बाकी पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स में करें, कमेंट्स करें, मुझे बताइए डायरेक्टली, पार्टियों से, मैम क्या शाह से, इनसे पूछिए, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर्स। बट प्लीज़ डू नॉट बिलीव इन ऑल द र्यूमर्स जो आप लोग हर दूसरे तीसरे दिन सुन रहे होते हैं, एंड मेक श्योर कि जो लोग ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं उन्हीं से जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी के ऊपर आप यकीन करें। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, एंड मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। एंड व्यूअर्स, बहुत जल्दी क्या शाह एंड आई विल बी टेकिंग ऑल ऑफ यू ऑन अ टूर टू पार्टी सिटी इस्लामाबाद, जहाँ पर हम आपको ए टू जी दिखाएंगे चीजें, बहुत सारी और डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू पार्टी सिटीज चैनल एज वेल, एंड अल्टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। अमानत.com, पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।